ठीक है। जो भारत का भविष्य है या भारत का वर्तमान है वो मेरे पीछे है और मेरे साथ भी है। तो हम लोग जानेंगे कि एनसीसी कैंप में इन्होंने क्या सीखा, कैसा इनका अनुभव रहा और ये इनको कैसा लग रहा है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन के कैंप में ये चिड़चिड़ा रही हैं कि कहां मैं आके फंस गई हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था, या ये इनको कैसा अनुभव इनका कैसा रहा। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इनके द्वारा ही। वेलकम टू बिहार व्यू। आप विमल चुन्नी और आप अपने बारे में बताइए। जय हिंद। मैं कैडेट साक्षी सिंह, फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन से, मगध महिला कॉलेज से मैं बिलोंग करती हूँ। हमारा कैंप 20 सितंबर को शुरू हुआ था राजेंद्र नगर हेडक्वार्टर में। ये कैंप 26 बिहार बटालियन की तरफ से लगाई गई है और यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ बिल्कुल ही सिस्टमेटिक ढंग से चलता है और हमें ये भी सिखाया जाता है कि कैसा भी सिचुएशन हो हम कैसे उस सिचुएशन में खुद को ढालते हुए कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग क्लासेस हुई। सर ने हमें बताया कि कैसे हम कितने तरह के वार टेक्निक्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं डिफेंस में, और हमें सेल्फ डिफेंस भी सिखाया गया। उसके बाद काफ़ी सारे रैंक्स बताए गए हमें, SSB के बारे में बताया गया हमें, सेना में भर्ती लेने के लिए जो डिफरेंट पोस्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया, किस तरह से लड़कियां जा सकती हैं, किस तरह से लड़के जा सकते हैं डिफेंस में। और उसके साथ ही परसों ही हमारा एक NDRF की ट्रेनिंग हुई जिसमें हमें ये बताया गया कि किस तरह से हम अचानक से अगर आपदा आ जाती है तो लोगों को कैसे बचाएं। तो मेरा यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा और मैं दोबारा यहाँ आना चाहूँगी क्योंकि मैं अभी बी सर्टिफिकेट में हूँ और मेरा ये फर्स्ट कैंप था। सो थैंक यू सर। प्लीज कम नेक्स्ट। मुझे कॉलर में लगा लो, ये इधर बटन के पास ऊपर करके इस तरफ लगाओ ना, इस तरफ एक वन ऑफ यू जस्ट है। ओके। सो मैं हूँ विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू और हमारे साथ NCC के वैसे लोग जिन्हें NDA में इस बार हो सकता है एग्जाम देने का मौका मिले हैं, जो सेना में आना चाहती हैं। कैसा रहा आपका ये कैंप का अनुभव? जय हिंद। मैं हूँ कैडेट अंजलि, फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन से, और ये मेरा पहला कैंप है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि कैसे अपनी लाइफ सिर्फ जीना नहीं है, लाइफ को डिसिप्लिन से जीना क्या होता है। एक सेकंड बेटा कट कर। हाँ बताओ। रीस्टार्ट करें सर। नहीं, इज़ ओके। तो हमने यहाँ पे सीखा कि लाइफ सिर्फ जी नहीं जाती है, किस तरीके से जी जाती है वो हमने यहाँ पे सीखा। हमने यहाँ पे सबसे पहले डिसिप्लिन सीखा, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना सीखा, सुबह उठना, टाइमली सारा काम करना, टाइमली खाना खाना। वैसे तो घर पे हम लोग हर काम अनटाइमली करते हैं लेकिन यहाँ पे आके हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें टाइम पे हर काम कैसे करना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जिससे हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ। जैसे हमने फायरिंग सीखा, ड्रिल सीखा, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना सीखा, फिर हमने बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा सीखा जो हमने कभी नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता है। ये आर्मी कैडेट्स ही कर सकते हैं या फिर NCC में आने के बाद ही लोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ हम सब साथ रहे हैं चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो कहाँ से आई हो अंजलि, बता रही हो? मैं यही बिहार की पटना की हूँ, कंकड़बाग में रहती हूँ। नहीं, विच कॉलेज और विच स्कूल? आई बिलोंग टू पटना वुमेन्स कॉलेज। पटना वुमेन्स कॉलेज, अच्छा। वो पटना वुमेन्स कॉलेज में NCC है ना? हाँ यस सर। सो तनु, सो तनु इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट।
अपने बारे में बताओ। माई सेल्फ कैडेट तनु कुमारी, फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन। किस कॉलेज से आई हो? गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज गर्दानी मार्ग पटना 2। अच्छा अच्छा। हम लोग बहुत सारे मतलब जानने के एनसीसी के बारे में जानने के लिए आए हैं। कैसा रहा ये कैंप? हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा ये कैंप। हम लोग पहली बार आए हैं फर्स्ट गर्ल्स बटालियन गर्दानी मार्ग से, और हम लोग को बहुत सारे सीख मिली है, पीटी और परेड, बहुत सारे ऐसे चीज है जो हम लोग नहीं जानते थे। और हम क्या बनना चाहती है? हम सर पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है? अच्छा, और क्या है संदेश, आज का संदेश क्या है बिहार वासियों के लिए? हम लोग का संदेश यही है कि लोग अपना अपना मतलब सपना पूरा करना चाहते हैं, जिसे मतलब कई सारी सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसे लोग का अधूरा सपना हो जाता है, जिसे हम लोग को परेशानी झेलनी पड़ती है। थैंक यू, थैंक यू। सो सबसे पहले अपना नाम, कहाँ से आई हैं, ये सब बताइए, उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर आपको बताना है अनुभव। मैं कैडेट प्रियंका सोनी, 29 बिहार बटालियन, RLSI कॉलेज से हूँ मैं। मुझे ये मेरा पहला कैंप है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है मैं कैंप करूँ, और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और हमने यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखा है, और हमें यहाँ पे पढ़ाई वगैरह भी हुआ अच्छे से, हमारे टीचर वगैरह भी आए थे, मैप रीडिंग वगैरह हमने सीखा है यहाँ पे, बहुत सारे चीज़ हमने यूनिक चीज़ जाना है। और यहाँ के जो हमारे सर हैं, वो बहुत सारे सर लोग बाहर से आए थे, जो हमें कैंसर के बारे में बताया, एड्स के बारे में बताया, फिर NDRF का क्लासेस दिया, फायरिंग भी मैंने किया, बहुत एक्साइटेड थे फायरिंग के लिए, फायरिंग भी हमारा बहुत अच्छा गया, फायरिंग क्लासेस भी और ड्रिल वगैरह सब चीज़ हमने यहाँ पे सीखा। सो क्या बनना चाहते हैं? आर्मी बनना चाहते हैं। अच्छा, फौजी बनना चाहते हैं आप? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। इंग्लिश जिसमें यू आर कंफर्टेबल, हां, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जय हिंद एवरीवन, आई एम कैडेट सीमा सिंह फ्रॉम फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन। जोर से बोलना पड़ेगा थोड़ा। मैं सीमा सिंह, मैं हूँ फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन से। हमने हमारा जो कैंप है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मैंने CATC कैंप सेकेंड को अटेंड किया है, जो 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 29 सितंबर तक चलेगा। यहाँ हमारा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, अगर हम टाइम पे हर चीज़ करते हैं तो हम लाइफ में आगे सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ हम 6 बजे फॉलोइंग होते हैं और शाम के 6 बजे तक यहाँ पे सारी कार्रवाई को किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि ड्रिल को कैसे किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स हुए हैं, जिसमें हमें कैंसर जैसे डिजीज के बारे में बताया गया है, HIV/AIDS के बारे में बताया गया है। हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में NDRF की टीम भी आई थी, जिसने हमें बताया कि नेचुरल डिजास्टर्स या फिर कोई भी आपदा होती है तो उसमें कैसे उसे लड़ना है, उसको कैसे हैंडल करना, उसके बारे में हमें बताया गया। यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा कि कुछ सीखने को मिला। हम आम जो बच्चे होते हैं, जो सिविलियंस चिल्ड्रंस होते हैं, उनसे हम काफ़ी अलग हैं, एंड आई एम फील प्राउड टू बी अ NCC कैडेट। थैंक यू। सेल कैडेट चंदा रानी, यूनिट फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन, गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज गर्दनीबाग, एंड माई रिजल्टल नंबर इज VRSW 820A 54006 8। हम लोगों का जो ये कैंप चल रहा है, इसमें हम लोगों को समझाया जाता है कि हम लोग कैसे किसी भी सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव करें, जैसे कि हमारा मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यहाँ हम लोगों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग इतने सारे लोगों के बीच अपने आप को सर्वाइव करें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं और किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके। हम लोगों को यहाँ अनुशासन सिखाया जाता है कि कैसे कहाँ चलना है, किनसे कैसे बात करना है,
और बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे बातें सिखाई जाती है, बताई जाती है। मतलब यहाँ पर हम लोगों का बहुत सारे क्लास होता है, जैसे फायरिंग क्लासेस या फिर MR मैप रीडिंग वगैरह। और क्या है सपना, क्या बनना चाहती हो? सर, हम लोगों का जो सपना है, हम लोग यहाँ हम लोगों को इस NCC के कैडेट्स के मुताबिक हम लोगों का अंदर के जुनून को उजागर किया जाता है। इसे देखकर हम लोगों को लगता है कि हम लोग भी एक इंडियन आर्मी बने और अपने देश की सेवा करें, एक मतलब देश रक्षक बने। ओके चंदा, थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ पहले। मैं कैडेट अंशु कुमारी, यूनिट 1st बिहार बटालियन। माय कॉलेज नेम गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज वर्धा निवाग। हम लोग के लिए कैंप लगा है, वो भी 20 तारीख से 29 तारीख पर। वो कैंप में हम लोग अनुशासन और एकता सीखते हैं। उसमें हम लोग को ये समझाया जाता है कि हम लोग किसी स्थिति में भी, तो जोर से बोलना है, हम लोग किसी स्थिति में भी अपना सब कुछ संभाल सके, डिसिप्लिन, यूनिटी। क्या है सपना तुम्हारा? हम लोग NCC के जागरूक से हम लोग ये बनना चाहते हैं कि इंडियन के लिए हम लोग कुछ कर सके, इंडियन के लिए हम लोग कुछ कर सके, आर्मी का तैयारी कर सके। ड्रीम इज आर्मी। मैं आर्मी को बनना चाहती हूँ। अरे वाह, फौजी बनना चाहती हो? यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।